उचाना के राजीव गांधी महाविद्यालय के खेल मैदान में 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। 25 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 23 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में आज क्वार्टर फाइनल मैच में मणिपुर, उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीमों ने जीत हासिल की। हरियाणा हॉकी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुनील मलिक ने बताया कि प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नेशनल कैंप में भाग लेंगे। जूनियर में नेशनल चैंपियनशिप है और इसका समापन 25 तारीख को होगा और टोटल मिला के हमारे यहाँ 23 राज्यों की टीम आई हैं और इसमें टोटल प्लेयर्स और हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स और हमारे कोच मैनेजर्स 600 और 650 के बीच में हैं और हमारे हॉकी इंडिया की ओर से हरविंदर सिंह हमारे हॉकी इंडिया के सेलेक्ट और आए हुए हैं, जो कि अभी यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जो हॉकी इंडिया का नेशनल कैंप होगा उसमें वो शरीक करेंगे और वहाँ से वो एक हमारा हॉकी इंडिया की नेशनल जो हमारी टीम बनती है इंडिया की उसमें उनका सिलेक्शन होगा। खिलाड़ियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। पिछले साल कोरोना के कारण हमें खेलने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि हम भारतीय टीम के लिए खेलें और भारत का नाम विश्व में चमकाएं। आयोजन होने से नेशनल लेवल पे जैसे खिलाड़ियों को और अच्छे से खेलने का मौका मिलता है, यहाँ से आगे लेवल पे जाएंगे, इंडिया लेवल पे जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छे तरीके से। इन्हीं खिलाड़ियों में से निकलते हैं, 17 साल तक के जो प्लेयर्स होते हैं उन्हीं में से बनते हैं खिलाड़ी। मैं यहाँ सब जूनियर नेशनल में आया हूँ, इसमें हमने क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल से। हम यहाँ पर पोजीशन ले जाएंगे और हमें आगे इंडिया टीम के लिए खेलना मेरा सपना है।